अब जब वो अभी पानी को छुएगा तो उसके पूरी बॉडी में करंट दौड़ेगा और वो तड़पेगा, उसका खून सूख जाएगा। लेकिन अभी तक आवाज क्यों नहीं आ रही? कोई शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा है? किसी की तड़पने की, चिल्लाने की आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी मेरे सामने मरना चाहता हो? मैं भी तो यही चाहती, यही तो मेरा सपना है कि तू मेरे सामने मरे। मैं तुझे रोते तड़पते बिलखते मरते हुए देखना चाहती हूँ और उस प्रज्ञा को देखना चाहती हूँ तेरे लिए रोते हुए तड़पते हुए, जैसे कभी मैं किसी अपने के लिए रोई थी तड़पी थी। तेरे मरने के साथ साथ मेरा मकसद भी पूरा हो जाए। पानी में करंट कोई कैसे ला सकता है? ये कोई ऐसा काम नहीं जो गलती से हो जाए। ये किसी ने जानबूझ के किया है और ये वही है जो इन्हें मारना चाहता है। उसे ढूंढने से पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि पानी में कहां से करंट आ रहा है और उसे रोकना होगा। पर मैं रोकूं कैसे? ये काम तो इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता ना। हाँ, मुझे इलेक्ट्रिशियन को फोन करना चाहिए। हेलो मैडम। हेलो दयानंद जी, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। जी मैडम, कैसा चल रहा है आपका हीटर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम ही तो है, पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह नल से पानी में करंट आ रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अभी तो नहीं आ सकता मैडम, वो क्या है ना कि मैं आज मुंबई में ही नहीं हूँ, नवी मुंबई आया हूँ। यहाँ एक न्यू बिल्डिंग में काम मिला है मुझे वायरिंग का, तो आज तो नहीं आ सकता मैडम। एक काम करता हूँ मैडम, वो दोपहर में आज मुझे मुंबई आना है कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ के आपके घर पर चक्कर लगा देता हूँ, चलेगा? नहीं नहीं, दोपहर तक बहुत देर हो जाएगी, यहाँ सब लोग हैं, घर में कोई हादसा हो गया तो। तो मैडम आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो नहीं आ सकता, मुश्किल है। वो आपके साथ वो काम करता है ना विजय, आप उसको भेज दीजिए। नहीं नहीं, वो भी नहीं आ सकता, वो भी मेरे साथ साइट पर ही है। वो क्या है ना कि हम लोग साथ में ही काम करते हैं। अगर आपको इतना ही अर्जेंट है मैडम तो मैं क्या करता हूँ, तो विजय को सारा काम समझा कर मैं निकल के आ जाता हूँ। आप सिर्फ 2 घंटे इंतजार कर सकती हैं? प्लीज आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। ओके मैडम। इलेक्ट्रिशियन को आने में तो वक्त लग जाएगा, तब तक मैं वेट तो नहीं कर सकती। मैं कोई चांस नहीं ले सकती, उन्हें आने में देर हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है। इन्हें तो मैंने किसी भी तरह से रोक लिया पानी टच करने से, लेकिन घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ हो गया तो। ये चिपकली कहाँ गायब हो गई? अरे मैंने इसे दीवार पे चिपकने को कहा था, कहीं सचमुच दीवार पे चढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रही? वो कहीं भूली ना गई हो जिस काम से गई थी। पर मैं कब तक बैठा रहूंगा? इस शार्क के साथ तो मैं अपने हेयर के काफी स्टाइल्स बना सकता हूँ। थोड़े ऑड है पर क्यूट है। 1 मिनट में 10 स्टाइल बना सकता हूँ। क्यों ना मैं अपनी अगली म्यूजिक वीडियो में यही स्टाइल ट्राई करूँ, और म्यूजिक वीडियो का नाम होगा झाग वाले बाल सैया कमाल। पूरे इंडिया में हिट होगा ये। आने गया था ना, ये बाथरूम के कपड़े के झाग और ये शीशे के सामने तो क्या कर रहा है? अरे अच्छा हुआ दासी आप आ गए, कब से खड़े खड़े बोर हो रहा था, तो हम गप्पे शप्पे मारेंगे, बैठिए तो सही। बोर क्यों हो रहा था? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू कर क्या रहेगी, तुझे नहाने जाना चाहिए था कि बाथरूम में तू कपड़े क्या समझाता हूँ मैं दासी, मैं समझाता हूँ। अरे वो क्या है ना कि मैं नहाने गया था, टैप से गर्म पानी आ रहा था, और आप तो जानती है कि मैं इतने गर्म पानी से तो नहा नहीं सकता, तो मैंने उस चिपकली, मेरा मतलब है मैंने मुन्नी से कहा कि वो जाकर सेंट्रल हीटर चेक करे, तो गई है सेंट्रल हीटर चेक करने, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं बाथरूम में ना जाऊं और यही पर स्टैचू बनकर खड़ा रहूं। भाई साहब, आप स्टैचू बन के नहीं खड़े, बेवकूफ बन के खड़े हो। बेवकूफ? हाँ,
बेवकूफ। बेवकूफ अभी तुम कितने भोले हो ना, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है। गेम गेम मतलब? मतलब ये, पहले तुमने उसे नहाने भेजा और उसका टाइम वेस्ट किया, फिर उसने तुम्हें बाहर बिठा के तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है। पहले तुमने उसे भूखा रखा, अब वो तुम्हें भूखा रख रही है। ओह शाइट, मुझे लगा था कि वो गर्म पानी को लेकर मेरे साथ खेल खेल रही, लेकिन गेम तो मुझे भूखा रखकर खेल रही, क्योंकि वो तो अच्छी तरह जानती है कि इस हालत में मैं नीचे खाना खाने तो नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे साथ गेम खेला उसने। लेकिन ये गेम मैंने पहले क्यों नहीं देखा? बी, तुझे ये झाग देख के ही समझ जाना चाहिए था कि वो तेरे साथ गेम खेल रही है। वही तो मैं सोचूं कि उसने आने में इतनी देर क्यों कर दी। आने दो इस चिपकली को, उसका पूछ काट दूंगा मैं। अरे पूछ उसकी बाद में काटना, पहले जाके तू नहा, उसकी गेम खराब कर। वो तुझे नहाएवा देखेगी ना तो अपने आप ही उसकी हार हो जाएगी। सही कहा आपने दासी, अभी जा रहा हूं नहाने। बड़ी आई हीटर चेक करने वाली, अब लगी रही हीटर के साथ। मैं जाकर ना कराता हूं, उसके बाद उसे सबक सिखाऊंगा। जा। अब क्या हुआ? लेकिन मैं नहाऊंगा कैसे दासी, इतनी गर्म पानी से कैसे नहाऊंगा मैं? अरे अभी तुझे नहाने की क्या जरूरत है, सिर्फ हाथ मुंह धो ले, उसे तो सिर्फ हमें दिखाना ही है ना। ये तो कमाल का आइडिया दिया आपने दासी, गिव मी हग। सुपर, नजर ना लगी, जा रहा हूं नहाने। जा जा जा। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अंदर नहीं जाएंगे। ओके प्रॉमिस, फुगी वाला प्रॉमिस। जा ना। हाँ जा, जा रहा हूं। हाँ बीबी ना, सबसे पहले जाकर मुझे वाटर टैंक चेक करना होगा जहां से पानी का सप्लाई हो रहा है। ओह नो, ये प्रज्ञा यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये देख ना ले कि ये मैंने किया है, इसने देख लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे उसे रोकना होगा। मैम, सुमोनिका तुम यहाँ? वो मैम, मुझे ना अकाउंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ, फिर मैंने देखा कि आप इधर आ रही हैं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई। अकाउंट्स मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मुझे जरा काम है। मैम क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, सब ठीक तो है? एक्चुअली तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक नहीं है। तुम मेरी मदद कर सकती हो, आओ मेरे साथ। तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ मैम, लेकिन हुआ क्या है, आप इतनी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? सुमोनिका, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि कोई है जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ मैम? मुझे लगता है वो जो कोई भी है ना, उसने इन्हें मारने का प्लान बना लिया। मैम प्लान, कैसा प्लान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो इन्हें मारना चाहता है उसने पूरे घर के पानी में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया। आपको कैसे पता चला? मतलब अभी सर नहाने गए थे ना, इजी ओके, वो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने उन्हें रोक दिया ना आने से, इसलिए वो ठीक है। थैंक गॉड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पानी में कौन इलेक्ट्रिक करंट छोड़ेगा और कैसे, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। मैम मुझे लगता है ना आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ऐसे कोई कैसे कर सकता है पानी में, पूरे घर के पानी में इलेक्ट्रिक करंट? गलत फहमी नहीं है ना, मैंने खुद चेक किया, मुझे खुद इलेक्ट्रिक करंट लगा। माय गॉड, आपको शॉक लगा? हाँ, एक्चुअली ये नहाने गए थे लेकिन इन्होंने कहा कि सिर्फ गर्म पानी आ रहा है, ठंडा पानी नहीं आ रहा, तो मैं चेक करने गई और जब मैंने नल खोला और चेक किया तो मुझे शॉक लगा। भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए उन्हें रोक दिया, पर कब तक रोकूंगी? हाँ वक्त नहीं है हमारे पास, हमें पता करना होगा कि ये सब किसने किया, और एक बार वो मिल गया ना छोड़ूंगी नहीं उसे। ये प्रज्ञा की बच्ची पता नहीं कहाँ से अपने पति को बचाने पहुंच जाती है, पहले भी इसने ही मेरा प्लान खराब किया था और अब एक बार फिर ये आ गई है मेरा प्लान फ्लॉप करने। मन तो करता है कि इसका गला दबा दो। तुम मेरी मदद करोगी ना? ऑफ कोर्स मैम, मैं आपने मुझे जॉब दी है मैम, मैं आपकी मदद तो करूंगी ना। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो पहले जाके ना ऊपर वाला मीटर रूम चेक करते, चलो। ओह गॉड, ये तो सीधा वहीं जा रही है। हाँ मैम,
मैम हम बाहर वाला मीटर रूम चेक करते हैं। बाहर क्यों? क्योंकि मैम जो 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 भी है जो सर को मारना चाहता है वो जरूर बाहर वाले मीटर रूम में आया होगा। अंदर तो आ ही नहीं सकता ना, बाहर का आदमी है। तो बाहर वाला मीटर रूम चेक करते हैं। तुम एक्चुअली ठीक कह रही हो, मैं बाहर वाला मीटर रूम चेक करता हूं। अभी के लिए तो मैंने इसे गुमराह कर दिया, ये बाहर वाले मीटर रूम में अपना टाइम वेस्ट करेगी। जब तक आए हो अभी बाथरूम में नहाने चला जाए, पानी में ही उसकी जल समाधि बन जाए। दासी, मेरे अंदर जाने के बाद अगर वो चिपकली आ गई ना, तो आप उसे बता देना कि उसकी चालाकी आपके पोते के सामने नहीं चलने वाली। बोल देना उसे कि मैंने उसका प्लान फेल किया। ओए, मैंने? हमने। हाँ, हमने। तो चिंता मत कर पुत्र, आराम से जा और नहा ले। वो यहाँ आएगी तो शेरनी की तरह सर उठा के, लेकिन जब जाएगी ना तो बकरी की तरह सर झुका के। अरे उसे ऐसा सुनाऊंगी ना कि अपने कानों में रुई डाल लेगी वो। अब अभी को मरने से कोई नहीं बचा सकता, उसकी मौत के साथ ही मेरा बदला पूरा होगा। बताओ, मैं ना उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हारने के बाद उसकी शक्ल कैसे हो जाती है, और जैसी उसकी शक्ल होगी ना वैसे ही उसका एक नाम रखूंगा। हर रोज जिंदगी भर उसे उसी नाम से चढ़ूंगा मैं। जिंदगी भर? इसका मतलब है तू उसे जिंदगी भर इस घर में रखने वाला है? उसे तू इस घर से नहीं निकालेगा? मेरा मतलब वो नहीं था। वो एक्चुअली क्या है ना, वो उसकी हमशक्ल है ना, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो प्रज्ञा है। एनीवेज, जो भी नाम रखूंगा ना, हर रोज उसे उसी नाम से चढ़ूंगा जब तक वो एक घर छोड़कर नहीं जाती। और अगर वो एक घर छोड़कर नहीं गई ना दासी, तो एक और प्लान है। बस कर तेरी डायलॉग बाजी, बस कर और नहाने जा। अगर वो आ गई ना तो वो नहाने नहीं देगी तुझे, तू जा। हाँ दासी, मैं जा रहा हूँ। अरे दासी, आपको सदा बाल हो। गुड, अभी नहाने चला गया। बस अब कोई नहीं रोक सकता इसे मरने से। उधर जब तक प्रज्ञा को पता चलेगा करंट कहाँ से आ रहा है, तब तक तो इधर इसकी लाश ठंडी पड़ चुकी होगी। तो अब बस मुझे पूरी फैमिली के सामने रोने की एक्टिंग करनी है। दिखाना तो पड़ेगा ही ना कि अभी की मौत से मुझे भी दुख हो रहा है। जबकि ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर से तो मेरा दिल खुश हो रहा होगा। हाय रब्बा, ऐसा पोता तूने दिया। हेलो। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली दादी जी, मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझे लगा अभी सर ने मुझे बुलाया है, बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तो फिर बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आई? वो मुझे लगा कि आप उनसे बात कर रही हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बाद में बात कर लूँगी जब आप चली जाएंगी, इसीलिए वेट कर रही थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मेरी, तुम यहाँ अकेले अकेले मुस्कुरा क्यों रही थी? वो दादी जी, वो मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि मैं यहाँ आई और मैंने आप दोनों को बातें करते हुए सुना, और मैंने देखा कैसे अभी सर इतने प्यार से प्रज्ञा मैम की बातें कर रहे हैं, कितनी नोकझोंक है ना दोनों के बीच में, कितनी क्यूटनेस है। बस वो ही देख रही थी, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। वो तो प्यारी प्यारी बातें नहीं कर रहा था, वो तो गुस्सा कर रहा था। फिर तूने कहाँ से सुननी प्यारी प्यारी बातें? मेरा मतलब वही है कि गुस्से में भी कितना प्यार है प्रज्ञा मैम के लिए। हाँ, मैं मुझे काम है, मैं जाऊं? ओके ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़की कर कुछ और रही थी और बोल कुछ और रही? ये जितनी भोली दिखती है ना, शायद इतनी भूली है नहीं। चालाक चिपकली? नहीं, चालाक तो लोमड़ी होती है। तो क्या करूं, अब उसका नाम चालाक लोमड़ी रख दूं? नहीं, चालाक चिपकली ही ठीक है। चालाक चिपकली जो जरूरत पड़ने पे दिमाग भी लगाती और वक्त आने पे रंग भी बदल लेती है, पर इसने मेरा रूप देखा नहीं। मुझे नहाने से रुकने वाली थी, अब बताऊंगा उसको जब मैं उसके आने से पहले रूम में रेडी होकर बैठ जाऊंगा। मेरे इस नेले पे देले को देखेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। ओह शिट, ये तो देले पे पहले से गुलाम फेंक गई। जाने से पहले पूरा बाथटब खाली कर दिया, अब इसे भरने में और टाइम लगेगा।
उतने में ये आ गई तो मैं नहाना तो दूर हाथ मुंह भी नहीं धो पाऊंगा। क्या करूं? कोई नहीं, अभी गुलाम पे बेगम भी होती है, पर मैं बेगम ही सीधा बादशाह देखूंगा। उसने टब खाली किया है ना, मैं जल्दी से 2 मिनट में हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर 1 मिनट में रेडी। जहाँ से पूरे घर में गर्म पानी सप्लाई होता, मतलब अगर अब किसी ने भी पानी यूज किया तो उसे करंट लग सकता है। अरे मैंने अगर इस वायर को हाथ लगाया और मुझे ही करंट लग गया तो? चेक कर लेती हूँ पानी गर्म है कि नहीं। गॉड, मुझे वक्त रहते पता चल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब सब ठीक है, सब सेफ है। गर्म पानी इतनी जोर से नहीं लगता, ये करंट ही था। पर पानी में करंट कैसे आएगा? एक बार फिर चेक करती हूँ। करंट लगा था पर अभी नहीं है, मतलब किसी ने करंट डाला और फिर निकाल दिया। ये जरूर उस तन्नू का काम होगा, क्योंकि मैंने उसे नहाने नहीं जाने दिया तो मुझे करंट से रोकना चाहती थी। तन्नू! ये तो एकदम परफेक्ट पानी आ रहा है, इसका मतलब इंदुदासी सही बोल रही थी। ये मुन्नी को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं, एक दिन खोलते हुए पानी से नहलाऊंगा। अच्छा हुआ जो राइट टाइम पे मेरा दिमाग चल गया और मैं अंदर आ गया, वरना पूरे घर में सब लोग मेरा मजाक बनाते कि उस चिपकली ने मुझे बेवकूफ बना दिया। थैंक गॉड मुझे ये वायर सही वक्त पे दिख गया। बस अब उस आदमी का पता लग जाए जो इन्हें मारना चाहता है। ये प्रक्रिया है क्या चीज? हर बार मेरे रास्ते का कांटा बन जाती है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। मुझे लगा था इस बार तो मैं उस अभी को मार ही डालूंगी, पर पता नहीं इसने कितने करवा चौथ के व्रत रखे हैं कि उसका पति हर बार बच जाता है।
अब तो मुझे अभिषेक से ज्यादा इससे नफरत होने लगी है, इस पे गुस्सा आने लगा है। मेरा मकसद, मेरा बदला सबके बीच में आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभिषेक से पहले इसे मारना पड़ेगा। ये मेरे मकसद के बीच में आ जाती है और हमेशा अभी को बचा लेती है। हमला तो इन पर पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार हमला करने वाला घर में घुसा है। पहले खतरा घर के बाहर था, पर अब खतरा घर में भी है। वो घर में ही है या फिर घर के किसी मेंबर को अपने साथ मिला चुका है, जो उसे घर के हर एक मिनट की डिटेल्स बता रहा है। मतलब उस इंसान को पता था कि ये कब नहाने जाएंगे। मुझे लगता है अब मुझे उसे ढूंढने का तरीका बदलना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा।